नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। हमारे साथ हैं वो महान वक्ता जो एडवोकेट आईआर सिंह जी हैं, जो हमेशा बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से बोलते हैं और संविधान की बातों पे अमल करते हुए संविधान को घर घर पहुँचाने का काम भी करते हैं। आईआर सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो जी नमस्कार आयर सिंह जी, बहुजन समाज के लोग अधिकतर संविधान की बात भी करते हैं और भगवान की बात भी करते हैं। अगर बहुजन समाज के लोगों से कहा जाए कि संविधान को अपने घर में रखना पसंद करेंगे या भगवान को, वो बताएं। देखिए, जो भारत का संविधान है वो पूरी तरह से जांचा परखा है और वो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया है और उसमें किसी भी अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 15(1)(1)(a) के तहत में एच और जी क्लॉज में बताया गया है कि इट शैल बी द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिमूव द सुपरस्टिशंस। और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है कि मनुष्य विज्ञानवाद की बात करेंगे, अंधविश्वास को निकालेंगे, दूर करेंगे और विज्ञानवाद लाएंगे। तो बाबा साहब का जो संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा परखा हुआ है, 24 कैरेट के सोने की तरह है। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ उसमें कि बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अंदर किसी भी ईश्वर नाम की कोई चीज़ के लिए स्थान नहीं है। उन्होंने शेड्यूल 3 में, जिसे अनुसूचित तृतीय कहते हैं, उसमें लिखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के हों, कैबिनेट मिनिस्टर हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, इस वर्ष के नाम की शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा मैं एक और बताना चाहता हूँ, जो आर्टिकल 51 है उसमें जो बुद्ध का एक सिद्धांत है, तथागत बुद्ध का, कि विश्व बंधु वाली बात तथागत बुद्ध ने कही, वो बाबा साहब ने अपने आर्टिकल 51 में कहा है कि पूरे संसार में कुटुंब की तरह शांति स्थापित करने के भारत प्रयास करेगा। दूसरा, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह वैज्ञानिक है, ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग और नर्क के लिए कोई स्थान नहीं है और इवन अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरी तरफ जो हम ईश्वर की बात करते हैं, द गॉड इज़ द सिंबल ऑफ द ह्यूमन स्टूपिडिटी। ईश्वर का जो प्रतीक है वो मनुष्य की मूर्खता का प्रतीक है। और अरिस्टोटल कहते थे, जो अरस्तु नाम के दार्शनिक थे, कि इस संसार के अंदर दो इन्फाइनाइट चीज़ हैं, दो असीमित चीज़ें हैं, एक मनुष्य की मूर्खता और दूसरा मनुष्य का, दूसरा जो है स्पेस, अंतरिक्ष। लेकिन इस सदी के जो एल्बर्ट आइंस्टीन रहे हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया स्पेस इज़ फाइनाइट एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी इज़ इनफाइनाइट। मनुष्य की मूर्खता जो है वो असीमित है। मैं यह कहना चाहता हूँ, जहाँ संविधान और ईश्वर के बीच में है, संविधान का अस्तित्व है, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, वह एक महापुरुष के द्वारा बना गया, लिखा हुआ है। और ईश्वर को ठगोने और समाज को धोखा देने वाले गद्दार और लूटने वाले लोगों ने उसकी सृष्टि की है। जबकि दूसरे हाथ पे, ऑन द अदर हैंड, भारतीय संविधान को लिखने वाले महापुरुष ने, जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं, जो इस सदी के सबसे बड़े महान पुरुष हैं से हैं, वो हैं जिसके तुलना में देश की आज़ादी से पहले, स्वतंत्र भारत की बात हो या परतंत्र भारत की बात हो, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना में कोई व्यक्ति नहीं ठहर पाता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो ईश्वर है वो, द गॉड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ द यूज़ फॉर द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पुअर। एक ऐसा यंत्र है ईश्वर जो गरीबों के शोषण के लिए प्रयोग में किया जाता है। और दिद्रोड एक बात जो फ्रेंच फिलोसफर वो कहता है कि भारत में बार बार जो अपराध हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों के साथ में भ्रष्टाचार है, अगर ईश्वर है तो इनको ख़त्म क्यों नहीं कर देता। जहाँ तक बहुजन समाज की बात है, बहुजन समाज अभी तरह वैज्ञानिक रूप से शिक्षित नहीं हुआ है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अक्सर आर्ट ग्रुप के पढ़ने वाले लोग हैं और उनको तरह अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। जो यहाँ का बहुत पढ़ा लिखा अपना ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी है, उसके अंदर भी अंधविश्वास है। वो दिन में अपना लेबोरेटरी के अंदर जाकर विज्ञान की बात करता है, घर पर आकर ईश्वर को पूजने की बात करता है। इसलिए यहाँ पर एक जो सिस्टेमेटिकल विज्ञान या साइंस की बात है वो देश के अंदर पैदा नहीं हो पाई। और मैं पेरियार रामास्वामी के उस बयान को बता दूं कि जब तक इस देश के दलित लोग, शूद्र कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग ईश्वर की पूजा करते रहेंगे, देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, देश में कभी छुआछात खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो है, गॉड इज़ अ सिंबल ऑफ द ह्यूमन स्टूपिडिटी, इंसान की एक तरह से ये अज्ञानता का प्रतीक है। और हम लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि ईश्वर को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए
और देवी देवताओं को जैसे कि हम शमशान पड़ी हुई हड्डी को छोड़ देते हैं। जहाँ तक ईश्वर की बात है, कई हजारों साल तक शूर कास्टों पर अत्याचार होता रहा, महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहे, लोगों को जला दिया गया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसे इस बड़े स्टेट में जहाँ एक ब्राह्मण का मुर्दा फूंका जाता है, वहाँ एक शूर कास्ट का मुर्दा नहीं फूंका जा सकता। और जब मरे हुए लोगों में एकता नहीं आ सकती तो जीवित लोगों में एकता कैसे आएगी? वो संविधान के द्वारा आएगी, ईश्वर के द्वारा नहीं आ सकती। और अभी आपने देखा होगा मद्रास का कोई स्टेट था इधर साउथ वाला, कि उसकी डेड बॉडी को नहीं जाने दिया, पुल से उतारा। ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। और भारत के सुप्रीम जो कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसको इस पर कोई संज्ञान वो गरीबों के बारे में नहीं लेते, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये देश में छुआछात को जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप ईश्वर की पूजा करते रहोगे। और हमारा ईश्वर से कोई ताल्लुकात नहीं, संविधान से हमारा वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। आप थे हमारे साथ आयर सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि बहुजन समाज के लोग हैं वो संविधान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और जो भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं उनका सिर्फ आस्था का सवाल होता है और उससे कोई मनोकामना जैसी चीज़ें पूरी नहीं होती। आपने हमारे चैनल से इतनी बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।